سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا المنقلبون. इस वक्त हम टनल से निकल के तो थोड़ा रास्ता खराब आया, अब फिर कुछ बेहतर हो गया रास्ता, लेकिन सुना है कि आगे भी काम हो रहा है काफी ज्यादा। रास्ता जो है 3-4 किलोमीटर तक खराब है, तो अब देखते हैं आगे क्या बनता है। एक दफा फिर कच्चा रास्ता शुरू हो गया और मिट्टी बहुत है, अगर गाड़ी लग जाए तो इतनी धूल है कि बंदा बालू लगने लग जाता है। तो बड़े आराम से स्लो स्लो इधर, क्योंकि उतराई भी है, नीचे उतर रहा रास्ता और साथ में पत्थर हैं बहुत ज्यादा और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बड़े आराम से इधर ड्राइव करना पड़ता है। गाड़ियां भी हर किस्म की चल रही हैं, टनल से निकल के ही ऐसे रास्ता है और बीच में देखे ना सही भी आ जाता है। ये देखे अब आगे कुछ बेहतर काम हो रहा है असल में, तो कोई मसला नहीं है। बाइकर के लिए तो कोई इतना मसला नहीं, गाड़ी वाले ज्यादा परेशान होते हैं, और बाइकर जो हैं वो तो एंजॉय करते हैं एडवेंचर को। तो गाड़ियों वाले देखे ना, लोकल गाड़ियों वाले तो ऐसे भगाते हैं जैसे GT रोड पे भगाते हैं, मेरे तो हाथ नहीं आते। लेकिन जो दूसरे शहरों से आए हैं, मैदानी इलाकों से, वो बड़े परेशान हैं कि गाड़ी कहीं खराब ना हो जाए, पंचर ना हो जाए। इधर अब हम स्टे करेंगे, साथी खड़े हैं तो इधर तो पानी शानी पीते हैं, तो फिर आगे इंशाल्लाह चलते हैं। बड़ा नज़ारा है यार, इधर हम पानी के लिए, पानी पीने के लिए खड़े हैं, देखे सामने कितना प्यारा व्यू है, ऊपर रहशे हैं पहाड़ी के ऊपर। जी पानी पीने के बाद हम अब निकलने लगे हैं, तो हम जो देखते हैं अब आगे, आगे तो रास्ता बेहतर लग रहा है काफी। तो नहीं भाई, एक दफा फिर जो है आ गया कच्चा रास्ता, लग रहा है आगे फिर काम हो रहा है। तो नजारे बड़े हैं, वाह जी वाह क्या बात है। तो ऐसे ही अब चित्राल तक सफर है हमारा, बीच में रोड अब लग रहा है कि मुकम्मल बन गया हुआ रोड, आगे बेहतर हो गया। तो अब देखते हैं आगे, द्रोश में हम रुकेंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि टाइम काफी हो गया है, इस टाइम भूख भी लगी है सब दोस्तों को। तो आगे द्रोश शहर छोटा सा आता है रास्ते में, उधर रुक के खाना खाते हैं इंशाल्लाह। बहुत मज़ेदार रोड, बल खाती हुई सड़क, साफ सुथरा रोड, राइड का जो मज़ा आ रहा है क्या बात है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बेहतरीन रोड है। इधर से चित्राल 61 किलोमीटर रह गया है, और ये राइट साइड, लेफ्ट साइड पे भी और गांव की तरफ रास्ता जाता है, और राइट मुड़ते हैं आगे चित्राल सीधा जा रहा है। उससे पहले द्रोश आएगा शहर, वो मेरे ख्याल को 26-27 किलोमीटर है इधर से। तो द्रोश पहुंच के इंशाल्लाह खाना खाते हैं, अभी अब नज़ारे देखें।
जी दरोज शहर हम पहुंच चुके हैं। अब देख रहे हैं कि अच्छा सा कोई मुनासिब खाने वाला होटल मिल जाए तो उधर स्टे करते हैं। बाजार के अंदर से गुजर रहे हैं हम, तो अभी देखते हैं कोई तनवीर भाई आगे हैं, वो चेक कर रहे हैं तो मिल जाए कोई अच्छा मुनासिब तो उधर खाना खाते हैं। तनवीर भाई आगे हैं और देखते हैं वो ये रुके हैं एक जगह पे, तो पूछ रहे हैं उनको कि खाने में क्या है। तो वो कह रहे हैं कि सब कुछ मिलेगा, चिकन नहारी बिरयानी सब कुछ है मौजूद है। हाँ जी चलें इधर ही खाते हैं खाना। ओके जी खाना खा लिया हमने, अब निकल पड़े हैं। फैसला ये हुआ कि हमने चित्राल नहीं जाना, चित्राल से पहले अयोन की तरफ रास्ता मुड़ता है, हमने उधर मुड़ना है ताकि हम कैलाश जाएंगे, आज रात कैलाश रहेंगे। तो चित्राल नहीं हम जा रहे, पहले कैलाश जाएंगे, कैलाश से कल वापसी चित्राल आएंगे और आगे देखेंगे क्या करना है। तो अब अयोन को रास्ता मुड़ता है लेफ्ट साइड पे, बताया उन्होंने आगे रास्ता आएगा, अभी काफी सफर है तो आगे देखते हैं। जब पहुंचते हैं रास्ते पे तो फिर आपको दिखाते हैं कौन सा रास्ता है और कैसा रास्ता है। अभी बेहतरीन बहुत अच्छी सड़क है, बल खाती हुई सड़क, बेहतरीन नज़ारे हैं, कुदरत के हसीन नज़ारे, बहुत ज़बरदस्त। ले जी ये उस जगह हम पहुंच गए हैं जहाँ से रास्ता नीचे उतरता है लेफ्ट साइड पे अयोन की तरफ, ये उस चौक में आ गए हम। तो इधर थोड़ी देर देखते हैं, वो साथी आगे निकल गए हैं थोड़ा सा, ये बोर्ड लगे हुए हैं सारे, तो अब देखते हैं इधर थोड़ा रुक के साथी इकट्ठे करके फिर जाते हैं। लो जी यहाँ पे इस चौक में लेफ्ट साइड पे वो कोई स्टॉप बना हुआ है, उधर ये गोले लगाए हुए हैं बंदे ने, बर्फ के गोले, और लोहारी टॉप से बता रहे हैं कि बर्फ लेके आते हैं हम। और बड़ा मज़ा आया, सब साथी जनाब वो खा रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तकरीबन 34, 35 और 38 तक जा रहा है टेम्परेचर, तो बर्फ के गोले का बड़ा मज़ा है यार। और सब साथी कह रहे हैं वापसी में फिर खाएंगे हम, तो अभी बहुत मज़ा आया गोले के यार, बहुत ही ज़बरदस्त। ले जी एक एक और गोला कह रहे हैं सब दोस्त, एक एक और खाना है, दो दो खाने हैं, गर्मी बहुत है तो गर्मी की प्यास जो है ना वो बुझाने। ये अयोन शहर है जी, अयोन शहर का ऊपर से व्यू है इसका, सड़क के ऊपर से नजर आ रहा है, बड़ा प्यारा व्यू है। ये अयोन सिटी में हम दाखिल हो रहे हैं, तनवीर भाई आ गए हैं, तो ये तनवीर भाई खड़े हैं, ओ ये क्या है जी,
नाशपाती जबरदस्त यार, क्या बात है जी। नाशपाती सेब की तरह नाशपाती है, गोल बिल्कुल, और मीठी भी बहुत ज्यादा। ये अयून शहर में हम दाखिल हो रहे हैं, पुल आता है इधर भी, वन बाय वन ट्रैफिक चलती है, एक साइड चलती है फिर दूसरी साइड बंद कर देते हैं। तो ये हम एंटर हो रहे हैं इधर, अयून शहर में एंटर हो रहे हैं। बड़ा नजारा है, बड़ा जबरदस्त पुल बना हुआ है। इस जगह पे हमने टी ब्रेक की है जी, चाय पी ली है, अब साथी निकल रहे हैं आगे के लिए, कैलाश की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये सब अंदर बाइक्स खड़ी की थी, अब हम आगे निकल गए हैं। अच्छा, अब अयून शहर से निकले तो ये आगे दो रास्ते आते हैं, ये सीधा यहाँ से ब्रीर की तरफ जाता है और राइट साइड ऊपर की तरफ जो चढ़ता है ये रंबूर और जाता है उधर कैलाश का बाकी जो इलाका है, ये ऊपर की तरफ हम आ गए हैं। तो वो सीधा जो है ना और जाता है ब्रीर हम नहीं गए, चूंकि आगे ये रास्ता अब ऑफ ट्रैक शुरू हो गया, कच्चा रास्ता है और लेकिन एडवेंचर फुल रास्ता है, क्या बात है। गाड़ियां भी हैं, ट्रैफिक है काफी, लेकिन ये कि मिट्टी बड़ी, अगर गाड़ी आगे लग जाए तो मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है, लेकिन रास्ता बहुत मजेदार है। साथ साथ दरिया चल रहा है, पता नहीं दरिया क्या नाम है, छोटा सा दरिया है। तो अब रास्ता देखें कैसा रास्ता है, क्या बात है, जबरदस्त। वो नीचे दरिया नजर आ रहा है राइट साइड पे, तो सिंगल रोड है, कच्चा रास्ता है, एक साइड पे पहाड़ है, एक साइड पे दरिया है, लेकिन फुल एडवेंचर है, फुल एडवेंचर, जबरदस्त। जी लग रहा है आगे चेक पोस्ट आई है, तो देखते हैं क्या आगे, कुछ साथी आ गए हैं, ये बैरियर पड़े हुए हैं, चेक पोस्ट लग रही है, लेकिन ये रोका है उन्होंने जी। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत है जी सर। आगे अच्छा है, रास्ता बंद है किधर, अच्छा वो पुल, अच्छा अच्छा जी, उधर से रास्ता, वो ट्रैफिक बंद होगी तो उधर से खुलेगी, ओके हो गया, ठीक है, हम वेट कर लेते हैं, खुलता रास्ता तुम्हें बताइएगा, थैंक यू जी। रास्ता खुल गया और ये उन्होंने कहा जी रास्ता खुल गया, आगे जा सकते हैं आप। ये पुल है, अच्छा ये सिंगल पुल है, एक साइड से ट्रैफिक चलती है और एक साइड से बंद करते हैं फिर दूसरी साइड से खोलते हैं। तो सामने जो है राइट से दो सड़कें हो जाती हैं, राइट साइड पे रंबूर की तरफ जाता है और लेफ्ट साइड पे जो है वो बंबूरित की तरफ जाता है जी। पुल पार करने के बाद एंट्री हुई है, एंट्री करने के बाद हम जो है वो लेफ्ट साइड पे मुड़ गए हैं बंबूरीत की तरफ। आगे और रास्ता तंग है, देखें गाड़ियां आगे से आ रही हैं और ट्रैफिक काफ़ी है, रोक रोक के ट्रैफिक, वो गाड़ियां गुजर रही हैं, काफ़ी तंग रास्ता है और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, तो टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो अब देखें इंशाल्लाह कैलाश पहुँच के फिर आपको दिखाते हैं।
ये रेड गाड़ी वाला ना रास्ता दे रहा है और ना ही चल रहा है, बहुत स्लो, आगे ट्रैफिक स्लो है। तो सही, इसने मिट्टी उड़ाई हुई है, धूल उड़ाई हुई है, मिट्टी मिट्टी कर दी हर तरफ। तो दे दे यार रास्ता भाई, आगे से भी ट्रैफिक आ रही है और इधर से भी देखे ना, ये रास्ता बहुत तंग है, बंदा ओवरटेक भी नहीं कर सकता जब तक अगला रास्ता ना दे गाड़ी वाला, ओवरटेक नहीं कर सकते। वैसे भी ओवरटेक करना जो है खतरनाक हो सकता है। अब वैसे ही देखते हैं कहां तक चलता है, मट्टी धूल हो कुछ नजर नहीं आ रहा जब मट्टी उड़ती है। अच्छा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया तो, इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। थैंक यू। इस टाइम को 7:30 के अराउंड बहुत टाइम हो गया, 7:38 हो गए हैं, लेकिन अंधेरा भी पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है। तो पता नहीं, सफ़र लग रहा है करीब आ गए हैं, थोड़ी थोड़ी वो ग्रीनरी शुरू हो गई है, कि मिट्टी गर्द बहुत ज़्यादा है। जी अंधेरा हो गया अब काफ़ी, तो ट्रैफिक फंसी हुई है इधर, काफ़ी लंबी लाइन है, कभी चल पड़ती है कभी रुक जाती है, काफ़ी रश है क्योंकि ईद की छुट्टियां चल रही हैं, तो लोग आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी हम करीब लग रहा है पहुँच रहे हैं, पहुँच गए हैं बम्बूर ईद में, एंटर हो रहे हैं हम, क्योंकि आबादी शुरू हो गई है। काफ़ी अंधेरा हो गया, तो अब मैं इसको कैमरा बंद कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो रात हमने स्टे इधर करना है, तो सुबह दिन की रोशनी में फिर हम एक्सप्लोर करेंगे बम्बोरी सिटी को, शहर को, जो भी है, फिर जो भी होगा सुबह आपको दिखाएंगे। सुबह तक जी अल्लाह हाफिज़।